डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, हम इसी तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखने में तो ये काफ़ी कठिन दिखाई देते हैं, पर ये बिल्कुल आसान है। इन क्वेश्चंस को और आसान बनाने के लिए आप मेरे साथ रहें। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, PhD इन मैथमेटिक्स, वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी, और चलिए अब इसे देखते हैं। तो लेट्स बिगिन विद ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में आपको ज़्यादा नहीं, केवल तीन फार्मूले ध्यान रखने हैं। वो तीन फार्मूले कौन कौन से हैं? तो पहला लिमिट है, वो तीनों स्टैंडर्ड लिमिट है जिनको मैं फार्मूला कह रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, या आप कहें कि थीटा टेंड्स टू जीरो, साइन थीटा अपॉन थीटा इज वन। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, साइन थीटा अपॉन थीटा इज वन, सबसे पहली लिमिट है, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, साइन थीटा अपॉन थीटा वन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आया कैसे, तो आइए हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर एक एल हॉस्पिटल रूल, जिसको लॉपिटल रूल कहते हैं, उसका भी वीडियो है, लेकिन वो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में काम आएगा, ये डिस्क्रिप्टिव के लिए है। तो थीटा टेंड्स टू जीरो, साइन थीटा की सीरीज है, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, और अपॉन में क्या है इसके, थीटा है। जब आप इसको सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा आपके पास, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो। इसे मैं एक मिनट कुछ देर के लिए रब कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए, फिर हम आगे का डिस्कशन करते हैं। दोस्तों बिल्कुल आसान है, आप साथ रहें और देखते रहें, कमाल होके रहेगा। थीटा से थीटा कैंसिल, आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लिमिट्स के सवाल चुटकियों में सॉल्व करेंगे। और भी अगर आप लिमिट्स के क्वेश्चंस देखना चाहते हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करें। मैंने सारे केसेस जो लिमिट्स के होते हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। और आप अपनी क्लास का कोई और दूसरा वीडियो भी देखना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिमिट को हिट करें। कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यू कैन व्हाट्सअप मी। तो देखिए, अब थीटा टेंड्स टू जीरो है, सारी जगह थीटा है, वेयर एवर यू सी यू फाइंड थीटा, आपको थीटा मिलेगा एक्सेप्ट दिस प्लेस, इसको छोड़ के। तो ये सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि आगे भी थीटा है और थीटा टेंड्स टू जीरो है। तो इसकी स्टैंडर्ड लिमिट आई दोस्तों, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, साइन थीटा अपॉन थीटा वन। दूसरा जो केस है हमारे पास, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, अगर आपको ये आ गई है तो ध्यान से सुनिए, थीटा अपॉन साइन थीटा भी आपका वन होने वाला है। क्यों होने वाला है वन? तो ये लिमिट का एक जो प्रिंसिपल है, लिमिट की प्रॉपर्टी है कि वन अपॉन साइन थीटा अपॉन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा अपॉन थीटा, ये लिमिट नीचे भी जा सकती है। तो ये लिमिट नीचे गई तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन, दैट इज वाई दिस वैल्यू इज वन। तो साइन थीटा अपॉन थीटा भी वन है और थीटा अपॉन साइन थीटा भी वन है व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो। अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होंगे तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी एक होता है, वो भी वन होता है, लेकिन उसका डिस्कशन हम दूसरे वीडियो में करेंगे, अभी आप इसी पे कॉन्सेंट्रेट करें। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो कॉस थीटा, ये सबसे आसान है, कॉस जीरो इज वॉट, कॉस जीरो इज वन, सो इट इज वन। और लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, वन अपॉन कॉस थीटा भी होगा तो भी वन रहेगा। तो बेसिकली मेरे दोस्तों, आपको केवल यही ध्यान रखना पड़ी, साइन थीटा अपॉन थीटा इज वन व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो, और कॉस थीटा में तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, कॉस जीरो सिंपली इट इज वन। और अगर आपके पास आ जाता है लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो टेन थीटा अपॉन थीटा, तो टेन थीटा अपॉन थीटा को आप दोस्तों कैसा लिख सकेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा, और टेन को लिख सकते हैं आप साइन बाय कॉस, तो वो जो इसका कॉस वाला पोर्शन है वो ये है। फिर मैंने आपको बताया लिमिट की खास बात है कि ऊपर की लिमिट अलग, नीचे की अलग, इनटू में अलग, इसकी अलग, ये हो सकती है। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा बाय थीटा इज वन, और कॉस जीरो इज वॉट, कॉस थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो इज वन, तो ये भी वैल्यू आपके पास वन आई। और दूसरी बात है, जैसे इसमें था
थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड सिमिलरली हियर थीटा टेंड्स टू जीरो, थीटा अपॉन टेन थीटा इज व्हाट, इट इज वन. सो नाउ यू कैन कीप कि साइन थीटा अपॉन थीटा वन व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो, कॉस थीटा अपॉन थीटा नहीं, कॉस थीटा इज वन व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो, टेन थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो वन. अब एक बात और, कॉस थीटा अपॉन थीटा क्या होगा? कुछ बच्चों के मन में ऐसी भी जिज्ञासा हो सकती है, सम पीपल मे बी क्यूरियस एनफ दैट लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो कॉस थीटा बाय थीटा क्या होता होगा सर. तो आई टेल यू कॉस थीटा बाय थीटा क्या होता है. तो कॉस जीरो इज वॉट वन, एंड थीटा टेंड्स टू जीरो, वन अपॉन जीरो विल टेंड टू वॉट, इट विल टेंड टू इन्फिनिटी. तो कॉस थीटा अपॉन थीटा विल बी वॉट, इन्फिनिटी. सो बी केयरफुल, साइन थीटा अपॉन थीटा वन, कॉस थीटा अपॉन थीटा इज दिस. पर यूजली ये वाली बात पूछी नहीं जाती है, तो आप इसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें. तो टेन थीटा अपॉन थीटा वन, थीटा अपॉन टेन थीटा वन. अब आपको कुछ छोटी बातें भी मैं पहले बेसिक बता दूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों. कि आपके पास अब जो तीन लिमिट्स हैं, वो तीनों स्टैंडर्ड लिमिट्स यहाँ लिख देता हूँ मैं. वो तीनों लिमिट्स हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, साइन थीटा बाय थीटा इज वन, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो कॉस थीटा इज वन, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो टेन थीटा बाय थीटा ऑल आर वन. तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आ गए. अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? तो लेट्स बिगिन विद सम क्वेश्चंस. तो वो जो क्वेश्चंस लिखे थे, क्या वो हम सॉल्व नहीं करेंगे? डेफिनेटली वी विल बी सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस. लेकिन पहले थोड़ा सा आप बैकग्राउंड समझ लें. लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन टू एक्स अपॉन एक्स विल बी वॉट. तो ध्यान से सुनो, एक्स जीरो की तरफ जा रहा है. तो जो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट दोस्तों ये कहता है कि जो चीज़ यहाँ पर होगी, सेम थिंग शुड बी इन डिनोमिनेटर एंड बोथ शुड टेंड टू जीरो, और दोनों किसकी तरफ जाना चाहिए? जीरो की तरफ. तो यहाँ पे 2x है, तो हियर इट शुड बी 2x. तो आप क्या लिखेंगे इसमें? लिमिट x टेंड्स टू जीरो 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2x क्या बन गया आपका? यहाँ और यहाँ एक जैसा है, और x जब 0 की तरफ जा रहा है तो 2x भी किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ, 0 की तरफ. तो ये रिजल्ट लग जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू वन. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2. अगर आपके पास ऐसा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से सुनिएगा, साइन ऑफ ऑफ के पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर. तभी जब x 0 की तरफ जाएगा तो ये वन होगा. कब? जब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या होगा? एक्स स्क्वायर. अदरवाइज इट विल नॉट बी. तो ये अगर एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो सकता है? वन. अगर यहाँ मान लीजिए कि कोई दूसरी चीज़ है, एक्स है, तब क्या होगा? फिर से मैं आपको बताता हूँ. अगर ये एक्स स्क्वायर है तो ये तो वन हो जाएगा. लेकिन अगर मान लीजिए, इसको नंबरिंग कर देते हैं ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो रहे ना, एकदम सॉलिड हो जाए आपका. क्योंकि कॉन्सेप्ट सॉलिड तो आप सॉलिड. साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, तो इस केस में क्या करेंगे? तो इसको वन बनाने के लिए डिनोमिनेटर शुड बी व्हाट? तो डिनोमिनेटर में एक्स और होना चाहिए. तो उसके लिए क्या करोगे आप? उसके लिए आप ऐसा करो, इसको एक्स से डिवाइड कर दो और एक्स से मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर अपॉन व्हाट? एक्स स्क्वायर. ये क्या बन जाएगा आपका? वन. और ये क्या है? जीरो. तो जीरो इंटू वन इज व्हाट? तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर आ जाएगा जीरो. अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं सारी बातें फिर से आपको बोल रहा हूँ. आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स. सारे नहीं तो मैक्सिमम मैं डिस्कस करूँगा जो आपको फायदा दिलाएंगे. लेकिन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ एक्स डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डिग्री है, ये थोड़ा छोटा रहता है. ये देखिए आप, जीरो है बड़ा है, ये छोटा है, अपॉन एक्स है, तब क्या होगा? तो यू शुड नो व्हाट इज एक्स डिग्री. एक्स डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों पाई एक्स बाय 180. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास? यहाँ पर होना चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन पाई एक्स बाय 180.
दिस इज वॉट, दिस इज पाई एक्स बाय 180। तो डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए दोस्तों, जो यहाँ है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई बाय 180। पाई बाय 180 से हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या होगा, ये आपका साइन थीटा बाय थीटा से 1 हो जाएगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट शुड टेंड टू 0। एक्स जब 0 की तरफ रखेंगे, एक्स 0 की तरफ जाएगा, तो ये 0 की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? डेफिनेटली इट विल मूव टूवर्ड्स 0, 0 की तरफ मूव करेगा। इसलिए और इसके अपॉन में एक जैसा है, तो ये हो जाएगा 1 × π/180। तो 1 × π/180 इज आंसर। एंड समटाइम्स 1 डिग्री कैन बी रिटन, 1 डिग्री भी इसकी जगह लिखा हुआ हो सकता है। तो ये था दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। उन सारे क्वेश्चंस को जो मैंने लिखे थे आई विल बी डिस्कसिंग विद यू, यू नीड नॉट टू वरी। लेकिन आपको थोड़ा उसका बेस भी समझ में आए तब आपको मज़ा आएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है tan mx और अपॉन में लिख दिया है sin nx, n इज नॉट 0, ऐसा दिया हुआ है, n इज नॉट वॉट 0। तो आप ध्यान से देखो, tan थीटा अपॉन थीटा इज वॉट 1। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा tan mx। हाँ, और इसको समझने के बाद फिर आपको लिमिट में, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। mx से डिवाइड कर दें, mx से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों, इसको 1 बनाना चाहते? इधर देखें, यहाँ पर कितना है, sin nx से अपॉन में क्या कर देंगे, nx, nx से डिवाइड, तो nx से मल्टीप्लाई, x से x को कैंसिल कर दें। लिमिट क्या चल रही है हमारी, x टेंड्स टू 0। तो x टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये हो जाएगा 1, tan थीटा अपॉन थीटा 1। पर हाँ, ये 0 की तरफ जाना चाहिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये 0 की तरफ जा रहा है, जब x 0 की तरफ जा रहा है तो mx 0 की तरफ जा रहा है, नहीं तो नहीं होगा। 1 × m, और ये भी 1 हो जाएगा, sin थीटा अपॉन थीटा 1 होता है when थीटा टेंड्स टू 0। तो आंसर इज वॉट, योर आंसर ऑफ पर्टिकुलर मीन्स दिस क्वेश्चन इज m अपॉन n। ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू शुड नो अबाउट दिस, कि इसका आंसर कब 1 होगा, 1 जब होगा जब ये 0 की तरफ जाए। तो ये था मेरे ख्याल से वो पुलिस 5th क्वेश्चन था। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। मान लीजिए कि आपके पास लिखा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यहाँ लिखा है sin ay, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज कि इसका भी आंसर 1 होगा। नो, इट विल नॉट बी 1, ये 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो फिर अब आपके मन में क्वेश्चन कि क्यों नहीं होगा सर 1, तो आई टेल यू, ये x 0 की तरफ जा रहा है, a 0 की तरफ नहीं जा रहा माई डियर। तो इसका आंसर क्या होगा फिर, तो इसका आंसर इट विल रिमेन sin a/a, इसका आंसर sin a/a रहेगा। बस a शुड नॉट बी वॉट, a शुड नॉट बी 0, क्योंकि अपॉन में 0 आएगा तो ऊपर भी 0, 0/0 इज नॉट डिफाइंड। 0/0 वाली लिमिट्स भी हमने की हुई है, आप वीडियो देखें, कोई बात आए तो मुझे बताएं। इसी के जैसा क्वेश्चन, पर्टिकुलरली क्वेश्चन लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा एक ये वाला भी क्वेश्चन है जो इसी टाइप का है, इस पे बेस्ड है। तो आइए पहले इसको ही डिस्कस कर लेते हैं हम। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। एंड वी आर नंबरिंग दिस क्वेश्चन एज 7th क्वेश्चन। आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज क्वेश्चंस विच आई रोट ओवर देयर, जो मैंने पहले लिखे थे, यू नीड नॉट टू वरी, आई विल बी डिस्कसिंग विद यू ऑल दोज। 7th वाला देखिए आप, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यहाँ sin a + b, sin a, देखिए sin a + b प्लस sin a - b की एक आइडेंटिटी है, एंड वॉट इज दैट आइडेंटिटी, 2 sin a cos b। 1 थिंग, नहीं वो लगाना, यू कैन डायरेक्टली ओपन इट, नहीं लगाना यू कैन अप्लाई sin c + sin d। अगर आप वो भी नहीं, तो डायरेक्ट ओपन करने वाला आंसर तरीका सबसे सिंपल है, sin a cos x + cos a sin x, काटने का मन हो रहा है काट दो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस कितना है, -2 sin a,
होल अपॉन इज वॉट, होल अपॉन इज एक्स, होल अपॉन इज एक्स। और आपको मैं एक बात ध्यान से दिलाना चाहता हूँ, अभी इसका आंसर जीरो आएगा, पर जब इसका आंसर जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाता है तब इसका कुछ आंसर दूसरा आता है, तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तब तक आप देखते रहिए और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें से ध्यान से देखो, साइन ए कॉस एक्स, साइन ए कॉस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा लिमिट हमको बार बार लिखना दोस्तों, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो टू साइन ए कॉस एक्स, ये दोनों मिलके डबल हो गए, माइनस कितना है आपके पास टू साइन ए, और होल अपॉन कितना है आपके पास, होल अपॉन एक्स है, तो होल अपॉन एक्स रहने दें। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हम 7th डिस्कस कर रहे हैं, इसमें अगर यहाँ एक्स है तो इट्स आंसर विल बी जीरो, और अगर एक्स स्क्वायर होगा तो आंसर कुछ और होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से, टू साइन ए, और अगर मैं माइनस टू साइन ए लूँ कॉमन तो क्या फ़ायदा मिलेगा, देखो फायदा ही फायदा है, फिर यह आ गया वन माइनस कॉस एक्स। अब वन माइनस कॉस एक्स की आपको आइडेंटिटी पता हो कि वन माइनस कॉस एक्स इज वॉट, तो वन माइनस कॉस एक्स होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, वो बात अगर टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू नहीं पता है तो फिर क्या करेंगे, देन यू कैन रैशनलाइज इट। अगर आप इसको रैशनलाइज करोगे तो फिर क्या करोगे, ऊपर नीचे वन प्लस कॉस एक्स और वन प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो वन प्लस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये ध्यान से देखिए क्या बनेगा, ये माइनस टू साइन ए वन माइनस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स विल बी वॉट, वो हो जाएगा आपके पास वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स और वन प्लस कॉस एक्स। अब मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हटा के साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, आपने देख लिया है, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब मैं आपको जो बात बोलना चाह रहा था वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज दिस, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, अगर आप इसको पूरे को होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं या ऐसा लिखते हैं, और देर इज वन मोर ऑप्शन टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसको रिजॉल्व करने का एक तरीका और है, कैसा तरीका है वो देखिए, माइनस टू साइन ए ये लिखा, साइन एक्स ये लिखा, साइन एक्स अपॉन एक्स ये लिखा, इंटू वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स ये लिखा। अब आप देखिएगा कि अब मैं साइन एक्स, व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो, जब एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो जीरो की तरफ जाएगा तब क्या होगा, तो जब एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो इसका कुछ नहीं होगा, ये वही रहेगा, ये कितना बन जाएगा, ये वन बन जाएगा, ये वन अपॉन वन प्लस कॉस जीरो वन बन जाएगा। इसके बारे में क्या कहना है, तो ये किसकी तरफ जाएगा, जब एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो साइन एक्स जीरो की तरफ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जीरो। पर अगर दोस्तों जब इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली इन दिस क्वेश्चन, जब इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा तो आप समझ गए होंगे, हर जगह नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक एक्स आप इसको दे देना, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका, साइन एक्स अपॉन एक्स के हिसाब से क्या बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स के हिसाब से ये भी क्या बन जाएगा, वन। अब जब ये वन बन जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तब आपका आंसर क्या बन जाएगा, तब आपका आंसर बन जाएगा माइनस साइन ऑफ ए। इस क्वेश्चन का आंसर उस केस में माइनस साइन ऑफ ए हो जाएगा, कब, जब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, और जब डिनोमिनेटर में केवल एक्स है तब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तब इसका आंसर जीरो होगा। और अब हम अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर एट देखें, अगर आपके पास लिखा है लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है साइन थ्री एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है, तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं, साइन थ्री एक्स अपॉन एक्स कर दें, साइन एक्स अपॉन एक्स कर दें, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वन, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका थ्री, कैसे,
तो इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, ये मालूम है आपको, यहाँ और यहाँ एक जैसा होगा तो ये 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 × 1 − 1 विच विल बी वॉट, ये आंसर क्या बन जाएगा आपका 2। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देखना, लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा बात, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट। अब यहाँ पे sin 3x − 3 sin x लिख दिया और यहाँ पे x³ लिख दिया, अब सेपरेट नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्यों? अगर आप सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin 3x / x³, x³ को हमने लिख दिया x × x², फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, ये कितना बन गया 1, पर इसके साथ ही इसको भी रखना है, तो 3/0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, माइनस इसमें भी उसी तरीके से बन जाएगा, sin x / x³ है, x³ को स्प्लिट कर दिया x² × x, ये बन जाएगा आपका 1, पर ये फिर वही 3/0 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो फिर क्या होगा? तो बेसिकली जो दिमाग में आइडिया और मोटी दिमाग की बात है कि कोशिश ऐसी रहे कि अगर यहाँ 3x हैं तो वहाँ ऊपर 3 साइन मिल जाए, साइन क्यूब मिल जाए, या ऊपर 10 क्यूब मिल जाए, ताकि ये 1 बन जाए। तो देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यहाँ पे sin 3x है −3 sin x है, तो sin 3x की आइडेंटिटी लगा दो, 3 sin x −4 sin³x −3 sin x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन में क्या बचेगा x³, क्या लिख सकोगे आप, −4 sin x / x³। x जब 0 की तरफ जाता है, वेन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, x 0 की तरफ जाता है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा −4 × 1³, क्या आंसर आ जाएगा आपका, आपका आंसर तब उस केस में −4 आ जाएगा जब इस तरीके की कोई सिचुएशन होगी। एक और आगे बढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं, नई नई चीज सीखेंगे, नया नया काम करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x → 0 tan x − sin x / x³। ये भी एक हमने क्वेश्चन लिखा था, आपको याद होगी, क्वेश्चन नंबर टू यही था tan x − sin x / x³। इसको देखें, ये बिल्कुल उसी टेक्निक का है जो अभी डिस्कस किया, अगर अलग अलग करेंगे तो द सेम प्रॉब्लम वी शैल फेस व्हाट वी वर फेसिंग इन अर्लियर प्रॉब्लम, इससे वाले पहले वाले प्रॉब्लम में जो फेस कर रहे थे वही प्रॉब्लम आएगी, तो फिर क्या करेंगे, तो कुछ करना नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल काम है, क्या सिंपल काम है, तो देखो यार दोस्तों, अपने को हाथ पांव तो हिलाना डुलाना पड़ेंगे, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट क्या कर सकते हैं, तो देखने में आया यार कि tan x को sin by cos लिख दे क्या, यस डेफिनेटली वी कैन, tan x को लिख दो sin x / cos x, लिखा, फिर क्या कर सकते हैं, फिर यार थोड़ा दिमाग तो देखो लगाना ही पड़ेगा, फिर क्या कर सकते हैं, व्हाट द नेक्स्ट थिंग विच कैन बी डन, फिर एलसीएम ले लें क्या, हाँ एलसीएम ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर साइन एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, हाँ लेते हैं लेते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, तो यहाँ लिख दूँ मैं, स्पेस इज देयर, सो आई एम राइटिंग लिमिट x → 0 sin x − ये इसका पार्ट है, दिस वी विल बी डिस्कसिंग sin x cos x, एलसीएम ले लिया, cos x अपॉन में आ गया, x³ उसके अपॉन में आ गया, x³ किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से कि नीचे वाले के, तो ध्यान से सुनो, न्यूमरेटर इज कंप्लीट, व्हाई डू आई से कंप्लीट, इसलिए दोस्तों क्योंकि इसको ऊपर ही ऊपर सॉल्व किया तो ये ऊपर का हिस्सा है, तो ऊपर कंप्लीट है क्योंकि ऊपर में न्यूमरेटर, मतलब ऊपर मींस न्यूमरेटर के अंदर न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, बट डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर नहीं है, तो नहीं है तो फिर 1 करके लगा दो, तो ये ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स को कॉमन ले लो, ले लिया साइन एक्स को कॉमन, हाँ ले लिया, अब साइन एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास,
अपने पास बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स, करेक्ट। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 1, कहाँ मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो कोई मतलब की बात नहीं, कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई हो गया एक्स क्यूब, ये एक्स के अंदर मत ले जाना इसको, ये इसके अंदर है, कॉस के अंदर केवल एक्स है, एक्स क्यूब नहीं है, तो उसको आप अंदर नहीं घुसेड़ सकते। अब ध्यान से सुनिए, तो अब अपने पास है लिमिट, अब हमारा क्वेश्चन रहेगा इसके बाद वाला, क्वेश्चन नंबर 11। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, एक मैंने आपको 1 माइनस कॉस एक्स का प्रॉब्लम अभी आया था थोड़ी देर पहले, तो मैंने रैशनलाइज किया था, अब इसमें रैशनलाइज नहीं करते तो आपका दिमाग और तेज चलेगा। यहाँ साइन एक्स है, अपॉन में एक्स क्यूब है, एक एक्स इसके साथ ले लो, वाई क्यों, तो क्यों का जवाब यूं, ये है साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1, व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, तो ये 1 हो जाएगा, और इधर इनटू में कितना है 1 बाय कॉस एक्स, इसमें भी रख देना भाई, जिन जिन में प्रॉब्लम नहीं होती है, जिन जिन फैक्टर्स में, उन उन फैक्टर्स में लिमिट रख 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 सकते हैं, तो इसमें रख दें क्या, रख दें, हाँ रख दें, क्यों ऐसा कर सकते हैं, कैन दिस बी डन, यस इट कैन बी डन, क्यों, एक रिजल्ट है, बार बार क्यों आता है, आने दो, रिजल्ट को देखो, अगर ऐसा लिखा होगा तो क्या कर सकते हैं, दोनों की लिमिट हम सेपरेट कर सकते हैं, क्या एग्जाम में ऐसा लिखने की जरूरत होती है, नहीं, इट इज अंडरस्टूड, ये अंडरस्टूड होता है, तो इतना बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो लोग जानते हैं टीचर्स कि क्या लिखना चाहता है बच्चा, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो इसकी अलग हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी। अब बात बचा कौन, 1 माइनस कॉस एक्स, तो इस बार मैंने जैसे आपसे कहा है कि अपन फार्मूला लगा के करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे कॉन्फिडेंस ज़्यादा गेन करना चाहते हैं, तो आई डोंट माइंड, और मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा गेन करें। एक्स क्यूब में से एक्स यहाँ ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये सब मल्टीप्लीकेशन में ही हैं, इसलिए अब आप आगे बढ़ें, तो अब इसका काम करते चलें, इसको क्या लिख दें हम 1, इसको 1 अपॉन कॉस 0 1 इंटू, इसको क्या करें, तो इसको होल में कर दो पहले, तो आपका दिमाग जो है वो तेज चलने लगेगा। x बाय 2 कर दिया, x है, होल स्क्वायर हो गया, डरने की बात नहीं है। थीटा कितना है, देखो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 है, व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, तो ये 0 की तरफ जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, तभी तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x 0 की तरफ जा रहा है तो ये भी 0 की तरफ जा रहा है, पर इसका डिनोमिनेटर ये थीटा है, तो यहाँ थीटा है नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड करो 2 से, 1 कौन बनेगा, ये वाला हिस्सा 1 बनेगा, तो ये बन गया 1, 2 इंटू 1 बाय 2 होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 बाय 4, 2 इंटू 1 बाय 4 विल बी व्हाट, 2 इंटू 1 बाय 4 क्या होने वाला है दोस्तों, 2 इंटू 1 बाय 4 होने वाला है आपका 1 बाय 2। इस तरीके से हमने क्वेश्चन देखा, इसको हमने नंबर दिया था 10th क्वेश्चन। अब लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 किसको बनाते हैं, तो लेट्स मेक दिस एज क्वेश्चन नंबर 11, ये जो हमने 4th लिखा था इसको हम 11th बना के कर देते हैं, तो क्या करें इसको, नेवर माइंड, अंडर रूट दिख ही रहा है, रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज करते से ही अपना भाग्य खुलेगा और क्वेश्चन बनेगा। रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स, इनमें एडवांस क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो उसको भी देख सकते हैं आप। और दूसरा है कि एल हॉस्पिटल रूल, लॉपिटल रूल, उसके ऊपर हम एक्सक्लूसिव डिस्कशन करेंगे, पर हाँ वो आप 11th जो है और 12th में अप्लाई नहीं कर सकते, इसको रैशनलाइज कर देते हैं यहीं पे। अपॉन में आएगा, रैशनलाइजेशन के लिए न्यूमरेटर को कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली कर सकते हैं, पूछने की कोई बात ही नहीं है इसमें किसी से, नॉट टू आस्क टू एनीबडी, यू कैन रैशनलाइज न्यूमरेटर 2। अब ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका रूट 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर,
अगर आप डायरेक्ट रूट हटाना चाहते हो हटा दो, मेरे को दिक्कत नहीं, पर हाँ ब्रैकेट का ध्यान रखना है। यहाँ बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते तो वो इसको ऐसा लिख देते 1 माइनस साइन एक्स, जबकि ऐसा नहीं होगा। ये देखो कैसा होगा, फिर कैसा होगा ये देखिएगा। अपॉन में कितना है आपके पास, अपॉन में एक्स है और ये जो पार्ट आया है रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस रूट वन माइनस साइन एक्स। आप ध्यान से सुनो, अब इसको अगर आप ये कर देंगे तो आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, नो डाउट हटा दीजिए। इधर भी आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटा दें, नो डाउट हटा दें, पर ये स्क्वायर, ये ध्यान से सुने, ये माइनस रखना पड़ेगा। इस माइनस के कारण ये वन और ये वन क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये दोनों साइन एक्स क्या होंगे, दे विल बिकम टू साइन एक्स। तो ये क्या आने वाला है अपने पास, मैं यही लिख देता हूँ इसी की जगह, तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू साइन एक्स अपॉन एक्स। ये आपका टू साइन एक्स अपॉन एक्स जो चाहते थे वो हुआ, और जो ये बचा है डरने की बात नहीं है इसमें, रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस रूट वन माइनस साइन एक्स। इसमें हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या लिमिट है हमारी, हमारी लिमिट है एक्स टेंड्स टू जीरो, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो रखेंगे, लेकिन उसको वन लिखने के बाद तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वो बन जाएगा टू इंटू वन इंटू वन अपॉन रूट वन प्लस जीरो प्लस रूट वन माइनस जीरो। ये होगा टू अपॉन वन प्लस वन, ये वन टू अपॉन टू विच इज वॉट, दिस इज वन। तो ये इसकी लिमिट आ गई दोस्तों। जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर, उस पर तो फोर लिखा था, पर हमारा क्वेश्चन नंबर वो 11 था। नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसको हम ले लेते हैं 12th क्वेश्चन के फॉर्म में, और फिर इसके जो पीछे लिखे हुए थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 द सेम वी शैल बी डिस्कसिंग। आप चिंता ना करें, इसको आप एक काम करें, इसको पहले आप ओपन कर दें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 समझ लीजिए, अब ये 5 नहीं रह गया, ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया लिमिट। खूब कंसेप्ट बनाओ दोस्तों और आगे बढ़ जाओ ताकत के साथ, हिम्मत के साथ। मैथ्स अच्छा सब अच्छा, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच, इसमें एच की लिमिट है सबसे अच्छी बात है, क्या बात है देखिए, माई और साइन ए प्लस एच है। माइनस क्या है आपके पास, ए स्क्वायर साइन है, होल अपॉन क्या है आपके पास, एच। अब क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। इसको हम एक काम करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करेंगे तो कैसे होगा, ए स्क्वायर साइन ए प्लस एच ठीक, प्लस एच स्क्वायर साइन ए प्लस एच प्लस टू एच साइन ए प्लस एच माइनस ए स्क्वायर साइन ए होल अपॉन क्या आएगा, होल अपॉन वी शैल हैव एच। इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, निकल रहा है तो उसे निकाल लो। तो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ए स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर हमारे पास बचेगा साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए होल अपॉन क्या रहेगा, एच। अब जो ये दो बचे हैं, ये जो दोनों बच गए हैं, ये दोनों, इन दोनों को भी लिखना पड़ेगा, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, निकल रहा है निकाल लो, क्या कॉमन निकल रहा है दोस्तों, एच कॉमन निकल रहा है और साइन ए प्लस एच कॉमन निकल रहा है, एच कॉमन निकाल लिया साइन ए प्लस एच कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, एच प्लस टू ए होल अपॉन एच। इस एच से इस एच को कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिया, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर का एच जब हट जाता है तो फिर आंसर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए,
ये हमने इसको हटा दिया। अगर आपकी कोई चीज रह गई हो तो आप उसको रोक के देख लीजिएगा वीडियो। अब यहाँ साइन सी माइनस साइन डी लगाना पड़ेगा दोस्तों। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ए स्क्वायर टू कॉस सी प्लस डी बाय टू साइन ए प्लस एच माइनस ए बाय टू। ए से ए को कैंसिल कर दें। होल अपॉन इज व्हाट? होल अपॉन में एच है, एच रहने कोई दिक्कत नहीं। इधर के लिए क्या करेंगे? इधर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, एच की जगह जीरो रख दो। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस जीरो ब्रैकेट में आएगा जीरो प्लस टू ए। अब ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा इसको अच्छा लिख देते हैं। अच्छा लिखने का फायदा क्या रहेगा? आपका मन लगेगा देखने में और आप क्वेश्चंस सॉल्व करके जरूर दिए देखिएगा। ये हो जाएगा कॉस 2a प्लस एच अपॉन टू साइन एच अपॉन टू होल अपॉन एच। अब वही बात, अगर h जीरो की तरफ जा रहा है तो ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, पर इसका डिनोमिनेटर तो h है। इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी अपॉन टू, एच बाय टू होगा तभी तो बनेगा। अब 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दिया। एक 2 वहाँ लिखा हुआ था, वो लिखा नहीं मैंने यहाँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। वो 2 से इस 2 को कैंसिल कर दें, कैंसिल भी किया। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कितना है? ये वाला है 2a साइन a। क्या ये 2a साइन a? अब क्या करें? अब बस कुछ नहीं करना। क्या ये 1 हो जाएगा कॉस वाला? नहीं, क्यों? एच जीरो की तरफ जा रहा है तो अपनी ड्यूटी है कि इसकी जगह जीरो रखें। तो ए स्क्वायर कॉस 2a प्लस जीरो अपॉन 2 प्लस 2a साइन ए। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस ए प्लस 2a साइन ए। ये आपका आंसर आ गया। अब इसको 1 क्यों नहीं लिखा? तो 1 दोस्तों जब ही लिखते हैं जब वो किसकी तरफ जाए, कॉस थीटा, पर वो अंदर वाली चीज किसकी तरफ जाना चाहिए? लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो। वो जब जीरो की तरफ जाएगी तभी हम लिख सकते हैं, वरना हम नहीं लिख सकते। तो दोस्तों ये था इसका आंसर, ए स्क्वायर कॉस टू ए प्लस टू ए साइन ए। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने लिखा था, एक बार उस पर नजर डालते हैं। वो था लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जो अब हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा, रूट टू माइनस रूट वन प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर, जो उस समय हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था जब मैंने लिखा हुआ था, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। और ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे करने के लिए वी नीड टू रैशनलाइज न्यूमरेटर, इसे न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना पड़ता है। तो इसे न्यूमरेटर को रैशनलाइज करके देखते हैं क्या होता है, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो नाउ आई कैन इरेज ऑल दिस। अब देखते हैं, तो इसमें ध्यान से देखिए दोस्तों, ये दिस इज माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड दिस क्वेश्चन कैन बी इवैल्यूएटेड बाय रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर, बिकॉज इट इज इजीली बीइंग सीन बाय अस दैट न्यूमरेटर शुड बी रैशनलाइज। कैन दिस बी डन? यस इट कैन बी, वी कैन रैशनलाइज न्यूमरेटर। सो ऑन रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर लेट अस सी व्हाट हैपेंस, एंड दीज आर द स्टैंडर्ड लिमिट्स व्हिच विल बी यूज्ड टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। सो द न्यूमरेटर विल बी रूट टू स्क्वायर माइनस और रूट ऑफ वन प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। वी अप्लाइड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड इन डिनोमिनेटर
need not to multiply x square with both the terms. Just write x square into root 2 plus root of 1 plus cos x. That's it. Now, if we simplify this numerator, let us see what happens. On simplifying it, we find limit x tends to 0 to minus. This square and square root will cancel each other. So we have now 1 plus cos x. 1 plus cos x upon x square into root 2 plus root of 1 plus cos x. Okay. Now, on simplifying it, we find 2 minus 1 is what? 2 minus 1 is 1. So this becomes limit x tends to 0, 1 minus, minus plus minus cos x, x square root of 2 plus root over 1 plus cos x. Now, we have 1 minus cos x in numerator. Therefore, this can be rationalized now. Or if we do not want to rationalize, then one more alternate method or alternate approach is there. Use 1 minus cos theta as 2 sin square theta by 2. So even you can, means we can apply 2 sin square x by 2 instead of 1 minus cos x. A standard formula, a very known formula, 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta, and 1 minus cos x is therefore 2 sin square x by 2. X square root 2 plus root over 1 plus cos x. Or you wish to rationalize, then you may rationalize it too. Now we can write this limit as limit x tends to 0 2 into this sin x by 2 upon x by 2, both are having square, means their square can be written in like this, into 1 upon root 2 plus root of 1 plus cos x. And as we know that limit theta tends to 0, sin theta upon theta is 1. When theta is here, then theta should be in denominator, and the limit should tend to what? Limit should tend to 0. So you can see when x tends to 0, when x approaches to 0, x by 2 will approach to 0, but this thing and this denominator must be same. So we need to divide this by 2, and if we divided it, then we need to multiply it with 2. So this becomes 2. This result will become 1 using this standard limit. Upon this 2 is there, square is there, into 1 upon root 2 plus root 2 plus root over 1 plus cos x. X is what? X tends to 0. Therefore, cos 0. Cos 0 is 1. Same is written over here. You can see limit theta tends to 0, cos theta will be what? It will be 1. Now just calculate it, and then we find the result 1 by 4, 2, and this 4 can be cancelled in this way. Root 2 plus root over 1 plus 1 will be what? Root 2. Root 2 plus root 2, you know, is 2 root 2, and this 2. So 2 into 2 root 2 will be 4 root 2. So finally, this is the answer. Hope you enjoyed this solution. Okay, so now let's come to the another question, and we'll try that. The question was question number 1. Aur wo dosto jo question number 1 tha, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा था, दैट वाज लिमिट x टेंड टू 0 cos ax माइनस cos bx अपॉन cos cx माइनस cos dx. तो वो था हमारा क्वेश्चन. ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड टू 0 cos ax माइनस cos bx अपॉन
कॉस सी एक्स माइनस कॉस सी डी एक्स, कॉस डी एक्स. सो अगेन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दिस, जस्ट पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो हियर, सो इट बिकम्स कॉस जीरो वन माइनस कॉस जीरो वन, एंड सेम इन डिनोमिनेटर कॉस जीरो माइनस कॉस जीरो, सो इट इज जीरो बाय जीरो विच इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, विच इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. देयर फॉर दिस कैनॉट बी इवेल्युएटेड लाइक दिस. सो वॉट वी नीड टू डू, वी शैल अप्लाई कॉस सी माइनस कॉस डी, एंड वी नो दैट वॉट इज कॉस सी माइनस कॉस डी इज, इट इज माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू. सम पीपल राइट टू साइन सी प्लस डी बाय टू इन टू साइन डी माइनस सी बाय टू, देन दिस माइनस विल नॉट अपियर. बट इफ वी आर राइटिंग सी माइनस डी, देन अ माइनस साइन विल कम ओवर हियर. लेट्स सी, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस टू साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, दीज आर द स्टैंडर्ड लिमिट्स विच विल बी यूज टू इवेल्युएट दिस. साइन ए एक्स प्लस बी एक्स बाय टू होल अपॉन टू टाइम्स साइन सी एक्स प्लस डी एक्स बाय टू इन टू साइन सी एक्स माइनस डी एक्स बाय टू. ओके सॉरी, माइनस साइन विल कम ओवर हियर. सो माइनस माइनस कैन बी कैंसल, टू टू विल कैंसल ईच अदर. नाउ एज वी नो दैट साइन थीटा अपॉन थीटा इज वॉट वन वेन थीटा टेंड्स टू जीरो, सो जस्ट अ मैनिपुलेशन इज नीडेड नाउ. सो लेट्स मैनिपुलेट, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन दिस वी कैन राइट ए प्लस बी बाय टू एक्स. ओके एंड सिमिलरली दिस साइन ए माइनस बी बाय टू इंटू एक्स अपॉन दिस वी कैन राइट साइन सी प्लस डी अपॉन टू एक्स इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू इंटू एक्स. नाउ एज वी नो दैट दिस स्टैंडर्ड लिमिट that sine theta upon theta is 1 when theta tends to 0. What is theta over theta here? Theta is this, or theta is this, or theta is this. So if we wish to apply this limit here, then we need to put theta in its denominator, but its denominator is having nothing. So what we shall do, we shall just divide and multiply by this. This means a plus b by 2x. So we have sine a plus b by 2x. Now on dividing this by a plus b by 2x, then we need to multiply it with a plus b by 2x. And same here, the same procedure, sine a minus b by 2x upon a minus b by 2x into a minus b by 2x, a minus b by 2x, a minus b by 2x. So the space is very less, but I am explaining it. So if something is missing, then you may write here a minus b by 2x is written. Same in denominator. In denominator, we shall write sin c plus d by 2x. So we shall divide it with c plus d by 2x. And when we divided it, we need to multiply c plus d by 2x into sin c minus d by 2x is here, so we need to divide it by c minus
डी बाय टू एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय सी माइनस डी बाय टू एक्स. नाउ यू कैन सी दिस एक्स एंड दिस एक्स एंड दिस एक्स एंड टू इवन टू दिस टू टू एंड टू एंड टू कैन बी कैंसल्ड. दिस साइन थीटा अपॉन थीटा विल बी वॉट साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो विल बिकम वन. देयरफॉर दिस विल बी वॉट दिस विल बी वन इन टू ए प्लस बी बाय टू इन टू सॉरी टू इज नॉट देयर नाउ एंड इन इन द नेक्स्ट दिस विल बी साइन थीटा अपॉन थीटा ए माइनस बी बाय टू एक्स शुड बी हियर ए माइनस बी बाय टू इन टू एक्स दिस इज साइन थीटा. साइन थीटा अपॉन थीटा विल बी वॉट इट विल बी वन यूजिंग दिस लिमिट. सो द आउटकम विल बी ए माइनस बी ओनली. एंड सेम इन डिनोमिनेटर यू कैन सी दिस इज साइन थीटा अपॉन थीटा विल बिकम वन दिस इज साइन थीटा अपॉन थीटा विल बिकम वन. सो आई एम वेरी सॉरी दैट सम प्रॉब्लम यू मे फेस बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर क्लियर दैट दिस इज साइन थीटा अपॉन थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा एंड दैट विल बी वन यूजिंग दिस एंड हियर दिस इज साइन थीटा अपॉन थीटा सॉरी साइन थीटा अपॉन थीटा. द टर्म द एक्सप्रेशन वॉट वी हैव नाउ एट द लास्ट ए प्लस बी एंड हियर ए माइनस बी एंड सेम इन डिनोमिनेटर सी प्लस डी इन टू सी माइनस डी. सो द रिजल्ट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. सो दिस इज द आउटकम ऑफ दिस लिमिट मीन्स वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. सो इट वॉज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स. वी विल बी डिस्कसिंग मोर ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स एंड माई बेस्ट विशेज विथ यू. आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज इट इज नॉट माइन इट इज योर्स चैनल एंड आई विश यू ऑल वेरी गुड लक.